हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेसलिंग टॉक। तो गाइस, WWE में वर्ल्ड चैंपियन बनना हर WWE सुपरस्टार का सपना होता है। हमने कई सुपरस्टार को वर्ल्ड चैंपियन बनते देखा है, लेकिन उनमें से कुछ ही सुपरस्टार है जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने में सक्सेसफुल हुए हैं। पहले WWE में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के रूल्स अलग थे, क्योंकि पहले WWE में यूनिवर्सल चैंपियनशिप की जगह वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हुआ करता था और पहले WWE में यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल नहीं था। लेकिन 2015 में WWE ने ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के रूल को चेंज किया और अब WWE में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के लिए सुपरस्टार को WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप में से एक टाइटल, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप में से एक टाइटल और दोनों सेकेंडरी टाइटल यानी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतना जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं जो इस फॉर्मेट से ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कर्ट एंगल। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल ने 1998 में WWE में डेब्यू किया था और उनका WWE के अलावा अदर रेसलिंग प्रमोशन में भी काफ़ी सक्सेसफुल करियर रहा है। कर्ट एंगल ने साल 2000 में WWE चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता था, जिसके अगले साल उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीता और साल 2002 में क्रिस बेनवा के साथ टैग टीम टाइटल जीतते ही वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। नंबर 2, एडी गुerrero। एडी गुerrero का काफ़ी छोटा WWE करियर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो WWE में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। एडी गुerrero ने साल 2000 में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता था, जिसके बाद 2002 में वो चावो गुerrero के साथ टैग टीम चैंपियंस बने और 2002 में ही उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीता। लेकिन वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन 2004 में बने, जब उन्होंने अंडरडॉग होते हुए ब्रॉक लेसनर को हराया और WWE चैंपियनशिप जीता। नंबर 3, एज। एज WWE के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सुपरस्टार है। हालांकि उन्हें 2011 में अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो WWE में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। वो 2006 के न्यू ईयर्स रिवॉल्यूशन में जॉन सीना को हराकर पहली बार WWE चैंपियन बने थे और उसी रात वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बने थे, क्योंकि उससे पहले वो 5 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 1 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और मल्टी टाइम टैग टीम चैंपियन रह चुके थे। नंबर 4, बिग शो। वर्ल्ड लार्जेस्ट एथलीट बिग शो भी ग्रैंड स्लैम चैंपियंस की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वो अपने करियर में 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 8 टाइम टैग टीम चैंपियन, 1 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन रेसलमेनिया 28 में बने थे, जब उन्होंने कोडी रोड्स को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता था। नंबर 5, मिज। WWE में चुनिंदा सुपरस्टार है जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं और उसमें से भी मिज इकलौते सुपरस्टार है जो 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। मिज ने पहली बार ये कारनामा जुलाई 2012 रॉ 1000 एपिसोड पर किया था, जब उन्होंने क्रिश्चियन को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता था, क्योंकि उससे पहले वो WWE चैंपियन, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और टैग टीम चैंपियन रह चुके थे। और वो दूसरी बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन 2021 के एलिमिनेशन चैम्बर में बने थे, जब उन्होंने मैकेंटायर को हराकर दूसरी बार WWE चैंपियनशिप जीता था। नंबर 6, डैनियल ब्रायन। डैनियल ब्रायन ने अपने करियर में कई सारे चैंपियनशिप जीत रखे हैं और डैनियल ब्रायन ग्रैंड स्लैम चैंपियन रेसलमेनिया 31 में बने थे, जहां वो लैडर मैच जीतकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे। इसके अलावा वो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 2 टाइम टैग टीम चैंपियन और 1 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं। नंबर 7, क्रिस जेरिको। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 20 साल से भी लंबा करियर होने के बावजूद क्रिस जेरिको ग्रैंड स्लैम चैंपियन 2017 में बने थे, जब उन्होंने रोमन रेंस को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीता था। इससे पहले वो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 7 टाइम टैग टीम चैंपियन और 9 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके थे। नंबर 8, डीन एम्ब्रोज। डीन एम्ब्रोज पहले शील्ड के मेंबर थे जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने थे। डीन एम्ब्रोज ने 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल, 2015 में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, 2016 में WWE टाइटल जीता था। लेकिन वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन 2017 में बने थे, जब उन्होंने सेथ रॉलिन्स के साथ मिलकर टैग टीम टाइटल्स जीता था। नंबर 9, रोमन रेंस। रोमन रेंस WWE में डेब्यू करने के कुछ समय बाद ही WWE के टॉप स्टार बन गए थे और वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने में डीन एम्ब्रोज से ज़्यादा पीछे नहीं है। उन्होंने डीन एम्ब्रोज के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के 3 महीने बाद ही अपना नाम उस लिस्ट में दर्ज करा लिया था, जब उन्होंने नवंबर 2017 को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता था। इससे पहले उन्होंने 2013 में टैग टीम टाइटल्स, 2015 में WWE टाइटल और 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीता था। नंबर 10, रैंडी ऑर्टन। इस लिस्ट में बाकी सुपरस्टार के मुकाबले रैंडी ऑर्टन ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। वो 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 1 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और मल्टी टाइम टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन 2018 में बने थे, जब उन्होंने रॉबर्ट रूड को हराकर पहली बार अपने करियर में यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीता था। नंबर 11 सेथ रॉलिन्स। फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन सेथ रॉलिन्स ने अपना नाम ग्रैंड स्लैम चैंपियंस की लिस्ट में 2018 में दर्ज किया था, जब उन्होंने मिज और फिन बैलर को हराकर रेसलमेनिया 34 में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता था। सेथ रॉलिन्स इससे पहले 2013 में टैग टीम टाइटल और 2015 में WWE टाइटल और यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीता था। नंबर 12 जेफ हार्डी। जेफ हार्डी वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट सुपरस्टार है। उनका WWE करियर काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन 2018 में बने थे, जब उन्होंने जिंदर महल को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीता था। इससे पहले वो 2008 में WWE चैंपियन, 2017 में रॉ टैग टीम चैंपियन और 2001 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके थे। नंबर 13 कोफी किंगस्टन। कोफी किंगस्टन का 2019 का साल कमाल का गया था, जहां वो पहली बार WWE चैंपियन बने थे और उसी साल वो WWE चैंपियन के साथ ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बने थे, जब उन्होंने रेसलमेनिया में डैनियल ब्रायन को हराया था। इससे पहले वो 2008 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और न्यू डे के साथ मिलकर मल्टी टाइम टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं। नंबर 14 रे मिस्टीरियो। WWE के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और फैन फेवरेट सुपरस्टार रे मिस्टीरियो 2019 में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने थे, जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीता था। उससे पहले वो 2002 में टैग टीम चैंपियन, 2009 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और 2011 में WWE चैंपियन रह चुके थे। नंबर 15 एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स ने 2016 के रॉयल रंबल में अपना WWE डेब्यू किया था और उन्हें ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने में सिर्फ 5 साल लगे, जहां उन्होंने उसी साल 2016 में WWE चैंपियनशिप, 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और 2020 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता था और रेसलमेनिया 37 में न्यू डे को हराकर ओमोस के साथ वो टैग टीम चैंपियन बने और इसी के साथ उन्होंने अपना नाम ग्रैंड स्लैम चैंपियंस की लिस्ट में भी दर्ज कराया था। तो गाइज ये थे वो मेल सुपरस्टार जो WWE में नए फॉर्मेट के हिसाब से ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। अगर हम बात करें विमेंस सुपरस्टार की, तो विमेंस सुपरस्टार को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के लिए NXT विमेंस चैंपियनशिप, रॉ विमेंस चैंपियनशिप, स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप और विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जीतना जरूरी है। WWE में सिर्फ 4 विमेंस सुपरस्टार ही ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम बेली का आता है, जो WWE की हिस्ट्री की पहली विमेंस ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी थी। उन्होंने 2015 में NXT विमेंस चैंपियनशिप, 2017 में रॉ विमेंस चैंपियनशिप और 2019 में साशा बैंक्स के साथ विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन 2019 में बनी थी, जब उन्होंने स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप जीती थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम आस्का का है। आस्का दूसरी ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी थी। वो 2016 में NXT विमेंस चैंपियन, 2018 में स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन और 2019 में कायरी सेन के साथ विमेंस टैग टीम चैंपियन रह चुकी थी और 2020 में वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी, जब उन्होंने रॉ विमेंस चैंपियनशिप जीता। इस लिस्ट में तीसरा नाम साशा बैंक्स का आता है, जो 2020 में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी थी, जब उन्होंने बेली को स्मैकडाउन विमेंस टाइटल के लिए हराया था। उससे पहले वो 2015 में NXT विमेंस चैंपियन, 2016 में रॉ विमेंस चैंपियन और 2019 में बेली के साथ विमेंस टैग टीम चैंपियन रह चुकी थी। इस लिस्ट में आखिरी नाम शार्लेट फ्लेयर का है, जो 2020 के TLC पेपरव्यू में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी थी, जब उन्होंने आस्का के साथ टैग टीम टाइटल जीता था। उससे पहले वो मल्टी टाइम NXT, रॉ और स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन रह चुकी थी। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि WWE से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो मिलते गाइस अगली वीडियो में।